ये क्या स्टाइल ये क्या स्टाइल? मिस मनीषा भी खा रही है सारे पोर्शंस को तोड़ के जा पार्टी पे, और आप लोगों का कितना मूड खराब होता है। देवर जिन्होंने कहा था कि ये सीरियस है, सीरियस नहीं है बिल्कुल, ये बहुत अच्छे देवर है मेरे। सीरियस नहीं, बहुत अच्छे देवर भी है और बहुत अच्छे हस्बैंड। क्या कह रही है तुम्हारी किचन? हाँ ये ज्यादा इन्हें गौर से देख ले फिर तू पछताएगी भी। जी संडे वाले दिन मेरे टेस्ट देने जाना, आपकी गाड़ी चाहिए। कहाँ पे टेस्ट देने जाना? नहीं तो मेरी गाड़ी चाहिए। नहीं बड़ी गाड़ी लेकर आना, पूरे यात्रा ना मत कर। बेटा आप रेडी ले जाना और गाड़ी उनकी आप। असद तुम बहुत प्यारे आ रहे हो। हां ये लास्ट भी देख रही है मतलब व्लॉग का पार्ट। ब्लूपर, हां ब्लूपर भी देखिए, लास्ट से हमारी वीडियोस में ब्लूपर भी होंगे। फैसलाबादी को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उससे पूछा हेलमेट का। पूरम आप क्या कर रही हो? वरीशा अभी के पांव दबा रही हो, शर्म कर लो वरीशा। ये और जी ये हमारी प्यारी सी बेला ऊपर आ चुकी है और हुरम ने इसको पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, फ्राई अंडा खाते हैं बच्चे नाश्ते में ना। ये देख लें, ये फिर जो कि कंबल के अंदर लेटा हुआ है ये अयान है और वो वरीशा है। इनके 9th के दोनों के एग्जाम्स है और आप इनका हाल देख लें। अयान ट्यूशन का टाइम हो गया। अयान 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 क्या है? टाइम हो गया, उठ जाओ। ये देख उठ जाओ यार, हुरम इसका उतारो ब्लैंकेट, जरा उतारो उतारो। ये अब ना तुम्हारी एकेडमी की वो मैं भेजूंगी, अयान तुम्हारा ये क्लिप ना मैं तुम्हारी एकेडमी के टीचर पर भेजूंगी कि देखे हम ऐसे उठाते हैं इनको और फिर भी नहीं उठते है ना हुरम। हुरम आप क्या कर रही हो? वरीशा आप ही के पाँव दबा रही हो, शर्म कर लो वरीशा। ये आप हाल देख लें, ये पाँव दबा रही है छोटी बहन से और आप ये देख लें, ये इस लड़के का हाल देख लें। आज कह रहा है कि जी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है इसलिए मैं किसकी कहाँ से शेमी शेमी हो रही, कहाँ से लिडियो ना बनाऊ। नहीं कमर दिख रही बेटा, यहाँ से कमर नहीं दिख रही है। ये देख लें ऐसे बच्चे आपने देखे हैं, अब मैं इनको कैसे उठाऊं? ये मेरे सर का दर्द है और जोहा चली भी गई है ट्यूशन। ये कालीन बिछाया है, इसको वॉश करवाया था, काफी दिन हो गए थे ये वॉश करने वाला था और ये भी बिछा के हटी हूँ, ऊपर से ड्राई होके आया है। मुस्तफा सो जाओ जानू, आ गए आप? आ जाए, हाँ ये शूज लेके अंदर आ गए। ये शोर डाला वैसे, इसको नींद आई है। मुस्तफा निन्नो आई है इसे। और जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ हुरम को रेडी, हुरम रेडी हो रही है क्योंकि हुरम ने अब जाना है ट्यूशन, ठीक है ना हुरम? क्यों हुरम? हुरम का फुल मूड खराब है। आप बाबा के पास चले नहीं तो चाय और साथ सैंडविच बनाए मैंने इमरान के लिए, मजेदार। ये क्या स्टाइल ये क्या स्टाइल हुआ है? मैंने व्लॉग बना रही हूँ। हेलो मुस्तफा, कितना फ्रेश नोना, माशाल्लाह मामा का बेबी। और जी अब हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरी खाला आ रही है और कायनात आ रही है। और आपको अच्छे तरीके से तो पता है कि जब कोई भी हमारे घर आता है हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मैंने तो जी किचन के जो मसाला जाते हैं ना उनकी तैयारी शुरू कर दी है, और कब कोई पता नहीं होता, इमरान भी किस दिन पुलाव बना लेते हैं, तो मैंने ये गर्म मसाले भी इसमें डाल दिए हैं, इनको मैं ग्राइंड करूंगी। और आज खाने में मैं बना रही हूँ चने चिकन, और काफी ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि किचन के आज काफी ज्यादा मैंने काम खत्म करना है। और जी ये इसका मसाला वगैरह मैं बना रही हूँ, देखिए आज मैं बना रही हूँ चने चिकन और बस कामों में ना ये देख के थोड़ी सी यहाँ से जल गई है। और जी ये काफी ज्यादा अच्छे व्लॉग्स होने वाले हैं, व्लॉग्स के अंदर हम आउटिंग भी करेंगे फुल कायनात के साथ, मजे आएंगे, वो खाला लोग भी आ रहे हैं, बहुत मजा आएगा। अब जी ये मैं इसको ग्राइंड करूंगी, इसको पहले मैं ना हल्का सा गर्म करूंगी, थोड़ा सा इसको ना मैं भूनूंगी ताकि खुशबू अच्छी आ जाए। मैं गरम मसाले में ना सूखा धनिया लाजमी डालती हूँ, मेरी अम्मी डालती हैं, उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है।
कि ऐसे होते हैं मसाला जात ना मेरे सारे डब्बों में पड़े हुए, और मैंने कहा था आज निकाल के ना उनको डब्बों में डालती हूँ, उनको फिल करती हूँ, क्योंकि हमने कोई आउटिंग वगैरह करने भी जाना है सबने मिलके। तो जल्दी जल्दी उठ के, आपको पता है राइस तो इमरान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने राइस तो बनाने होते हैं, तो मैं सारे मसाले वगैरह जल्दी जल्दी अब सेटिंग कर रही हूँ। और जी इसको ना मैं ऐसे करके छान लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको ना ऐसे करके इसके अंदर वो करूँगी फ्राई। और ये जी फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं भूनूंगी ऐसे करके ना, थोड़ा सा भून के उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और दूसरी तरफ मेरा मसाला ना सड़ते सड़ते रह गया ये देखें, और बस अब ये भून के इसमें मैं डाल दूँगी चने। और जी ये देखें ये मेरी प्लेट है, मैंने पोर्शन कंट्रोल डाइट कर रही हूँ ना, पीसी जो डाइट होती है उसमें ये 6 टेबलस्पून राइस है, बीच में ये मेरे पोर्शन है कार्ब का, और साथ ये टेबलस्पून है, कितने टेबलस्पून होंगे ये वैसे अंदाजतन 4 टेबलस्पून चने हैं, साथ एक बोटी है, प्रोटीन है, कार्ब है, सैलड अभी मैंने नहीं ली। और जी मिस वरीशा भी खा रही है सारे पोर्शंस को तोड़ के, वरीशा भी खा रही है, और यहाँ पे जोहा आ गई है ट्यूशन से, और जोहा भी खाना खा रही है। हाँ काफ़ी ज़्यादा देर पड़ के आई है माशाल्लाह। और ये हमारा नलायक बच्चा है पूरा, आज आप ट्यूशन क्यों नहीं गई पूरा, ट्यूशन क्यों नहीं गई हो आप? ठीक है जी अब हम जा रहे हैं, हम तैयारी शैयारी कर रहे हैं, आज पिज्जा पार्टी पे जा रहे हैं। हुरम हम कहाँ जा रहे हैं जनू? हुरैन के घर पार्टी करने। ओहो आज हम जा रहे हैं हुरैन के घर पार्टी करने, कल हम जहाँ गए थे आज हमारी है पिज्जा पार्टी। जोहा रेडी हो चुकी है, जोहा का ये थर्ड ड्रेस है, जोहा की वो पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, चेंज क्यों किया है? बस जोहा मेरा कहना नहीं मानती, अपनी मर्जी से तैयार होती है, बट वरीशा भी मानती है और हुरम भी मानती है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक ड्रेस, क्योंकि वो ड्रेस उनकी मर्जी के मुताबिक हाँ दोगी नहीं फिल्म ना बंद। नोनू क्या कर रहा है? वॉल्यूम को बंद करो हुरम। ओ को मोदे अयान आप रेडी हो गए हो? हूँ क्या तबीयत ठीक नहीं हुई? सर में अभी भी दर्द है, सर में दर्द है। वरीशा भी रेडी हो चुकी है और फोन आना शुरू हो गए हैं, विशा वहाँ से फोन आया, जोहा भी रेडी है, इमरान बस कुरान पाक पढ़े यार, वो गलती से फोन मिला लिया था उसने। और यहाँ पे मुस्तफा भी रेडी हो चुका है। और जी अब हम हो चुके हैं रेडी, सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं पिज्जा पार्टी पे, और आपको मैं अपने साथ रखूंगी, हर चीज दिखाऊंगी वहां पे हमने क्या किया। जैसे कि आपने मेरी कल की वीडियो को पसंद किया, इंशाल्लाह आप मेरी आज की वीडियो को भी पसंद करेंगे, पिज्जा पार्टी होगी, एंजॉय करेंगे सब, और सब आपको पता है जब इकट्ठे होते हैं तो एंजॉय तो करते ही। ये वरीशा का हाल, वरीशा चलो आ जाओ, वरीशा आप भी आ जाओ, अयान आओ मेरे साथ, अयान अयान आ जाओ, कैसे लग रहा? हाँ देखिए जी हम सब कैसे लग रहे हैं, वैसे मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। और जोहा मेरी जान, मेरी जान, और सुबह सुबह आपको पता है जोहा का कितना मूड खराब होता है जोहा? No. और जी आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे कमेंट्स करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा और पूरा व्लॉग वॉच कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और जी ये दोनों भाई रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, यानी तो देखो बड़ा भैया, बड़े बड़े तो बड़े भैया, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यार इसका ड्रेस तो दिखाने दो, वाह माशाल्लाह, उठ नो नो ना, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। आ जाओ यहाँ जल्दी, यार आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, हम जा रहे हैं, पापा बेल दे रहे हैं। यस मैम। हाँ सही आ रही है। ये हुरम क्या कह रही है, किसका मोबाइल है? पापा का। पापा का जल्दी से आ जाओ, ध्यान से यार उसकी कैप नीचे करो, आराम से। कैसे क्या आराम से इसको वरीशा को पकड़ा दो यार, क्या बताना ही कुछ के बाद। हाँ ये गुजरने का रास्ता है, जब रोज हम यहाँ से जाते हैं तो रोज यहीं की बननी है, और मैं रोज कहाँ की बनाया था आपसे, दे दो भैया। मैंने नहीं दी, मैंने कब से नहीं देखा बाबा। अच्छा कब से आप यूज कर रही हो? कैमरा देख के फिर शर्मा गई, वो इसकी आज देखना कैसे लग रही है, तो कितनी देर में ये 40 डिग्री उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, ज्यादा होता। अच्छा हर की तरह तो उड़ भी जाएगा। ओए ठीक है।
आ जाओ अलीना, अलीना के घर आज है जी पिज्जा पार्टी। वाह रिजवान शर्ट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, जर्सी अच्छे कलर की है। गाइस रेडियो को लाइन कर देना हुरम की दुनिया। हाय अल्लाह मेरी दुनिया। अलीना कौन कौन सा पिज्जा का फ्लेवर लिया है? फजीता है जी सब। फजीता? वाह जी वाह, चलो खोलते हैं इसको। जी ये देवर जिन्होंने कहा था कि ये सीरियस है, सीरियस नहीं है बिल्कुल, ये बहुत अच्छे देवर है मेरे। सीरियस नहीं, बहुत अच्छे देवर भी है और बहुत अच्छे हस्बैंड। किसके ठंडे हो जाए, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब सना मैम की वीडियो को करना होगा तो सब्सक्राइब। क्या चीज, क्या कह रही है तुम्हारी टीचर? सलीना के हस्बैंड है। हाँ ये सलीना के हस्बैंड है भाई, सब गौर से इनको देख ले। अलीना ज्यादा इन्हें गौर से देख ले फिर तू पछताएगी फिर अलीना। चलो चलो आ जाओ, चलो आ जाओ उस रूम में चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये अरीबा, अरीबा बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह। मुला कहते करी तुम डाल के दे सकते हो। ये सही जगह बच्ची के लिए हो गया था। ऐसे रखे तस्वीर भी बना ली, अभी काटी ना उधर, ये भी दिखा दे। हाँ नहीं बच्चे वाकई कह रहे थे मैं पिज्जा खा ला। हाँ जी मेरा ये खाना एंजॉय कर रही है। ये क्या कर रही हो? वो फातिमा को छेड़ दिया ना। अयान बस कर दे, ये देख रहे हैं लग रहे हैं ये अयान है, नहीं कहा ये यान है, मुझे कहा ये लग रहे हैं ये बच्चों के साथ खेल रहे। शक्लें हैं जो बच्चों के साथ खेल रही थी ये देख लें। और चलो यान ताहा बड़ी नहीं आ रही है, अब ताहा ये व्लॉग लास्ट भी देखेगा। देखो जरा ये ऐसे घुल रहे थे बच्चों तो के साथ। सारे व्लॉग देखता हूं। सारे व्लॉग देखते हो माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बच्चा है। चलो चले चलते चलते और बेशक अल्लाह हाफिज़। क्या वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आपसे काम था जी, संडे वाले दिन ना मेरे टेस्ट देने जाना, आपकी गाड़ी चाहिए। कहाँ पे टेस्ट देने जाना? नहीं तुम्हें बड़ी गाड़ी चाहिए? नहीं बड़ी गाड़ी ना लेकर आना, पूरी यात्रा आना मशीन, छोटी गाड़ी लेकर। बेटा आप रेडी ले जाना, और गाड़ी उनकी अपनी होती है। नहीं उनकी कोई मसला। ओके हसन तुम बहुत प्यारे आ रहे हो। पक्की बात है। ये लास्ट भी देख रहा है ये वाला व्लॉग का पार्ट। ओके अल्लाह हाफिज। और जी ये मेरे बच्चे देखे, ये इकट्ठे आज ना पांचों पीछे बैठे हैं और ये लड़ी जा रहे हैं, स्पेशली ये हुरम। हुरम को तो नखरा ही नहीं सांस आ। हुरम क्या मसला है आपको जानू? जोहा जोहा खींच रही है। हाँ। ओए मुस्तफा हुरम साइड पे हो जो। ओए मामा का दिल। अब मामा की लड़ी जानू, मेरे ऊपर तो नोनू है और ये मामा लड़ी बना रही है। है मामा लड़ी बना रही है, तो लड़ी बना रही हूँ। वरीशा वीडियो कहती है मामा मेरी लिडियो। तो आर्ट में लग रही है, देखना दिखाना इसे। नहीं अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है।
किसकी असलियत ये देख लें आपके सामने कैसे कि मासूम बच्चे बने होते हैं और एक दूसरे के जैसे ही कैमरा ऑफ हो तो कह रहे हट बे यान ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करते। मैं वरीशा ने कहा है। आपने कहा है वरीशा ने कहा मेरी बेटी की आंसू देखो जरा कैसे ये बड़े बहन भाई होने के नाम पे ना तुम लोग वो कलक हो। अब मैं ना आपको बाबा को कहती हूँ कि आपको मेरी बेटी को सिर्फ चीज लेके देखो ठीक है। मुस्तफा की बहुत बना ली है तुम लोगों की बनाती हूँ तुम लोग अपने छोटे बहन भाइयों को डांटते हेलो मुस्तफा जादू ये जादू मुस्तफा आप जादू लग रहे हो एलियन वाला। आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई नहीं, ये दोनों ना अब इस टाइम नजला इनका सुसु बहर है और कह रहे हैं हमें छुट्टी करवा लें। असल में यान की तबीयत ठीक है इस बच्चे की नीयत ठीक नहीं है उसमें छुट्टी करना चाह रहा है। हाँ ऐसा कौन सा इसको सर ब्लड प्रेशर जेड़ा तो सिर सुबह से आराम नहीं आ रहा इसको। हाँ यान क्या मसला है बताओ क्यों है मेरी बेटी नु पापा कह रहे हैं मेरी बेटी को क्या हो गया बताइए जरा क्या हो गया मेरे बेटे को हाजी हो रहे नु क्या हो गया। और वरीशा आपको क्या मसला है बिल्कुल ठीक हो शाश वशाश लग रही हो बड़े हाजी हो रहे नु क्या हो गया हम क्या मसला है क्या हुआ हा? क्या हुआ मैं क्या किसी फैसलाबादी को पुलिस वाले ने पकड़ लिया उससे पूछा हेलमेट कहाँ है। अच्छा नवा भी ना लाएं जा क्या बोले हुरम ने इतना दंग किया हुआ था प्लीज अपना बता दे हेलो हुरम आज आपको क्या मसला अच्छा चले बताएं वही तो आप अभी सुना रहे थे एक फैसलाबादी का मैं कह रहा फैसलाबादी से पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले ने पूछा कि हेलमेट कित्थे अच्छा कहंदा हुन बंदा नवा भी ना लैन जावे देखो तुम जो दर्द मेरी हालत खराब है तो समझ नहीं क्या मतलब भाई नया लेने जा रहा था पुलिस वाले ने कहा ओए हेलमेट कित्थे कहंदा हुन बंदा नवा भी ना लैन जावे अच्छा चल हुन हसी ना मत ओके जी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड शेयर आल्सो और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर गाइस ब्लूपर देखें ब्लूपर हाँ ब्लूपर भी देखिए नहीं मुझे अब समझ आया कसम से अब समझ में चीजें आ गई है और जी मेरे बच्चों ने मुझे इतना ज्यादा तंग किया है ना कि मैं मजबूर हूँ ये ना व्लॉग से भागते तो मैं जान के इनके ये व्लॉग बना रही ताकि ना इनको पता चले। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो आपको जा रही हूं। ये देखें ये व्लॉग में आप अगर गाइस ब्लूपर देखें ब्लूपर हाँ ब्लूपर भी देखिएगा आज से हमारी वीडियोस में ब्लूपर भी होंगे। अच्छा जी और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा अगर आपको मेरी वीडियो हुरम पहले भी मैं लास्ट मेरी बात सुने मैं अलविदाई अपने कलमात पढ़ रही थी और इसकी वजह से मैं चुप कर गई थी। हुरम आपका ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। मैं कहती हूँ मम्मा मुझे पटियाला।